आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर सत्येंद्र जैन जी को ऑनरेबल कोर्ट से जमानत मिल गई है। सत्येंद्र जैन जी इस देश में मोहल्ला क्लिनिक की क्रांति के जनक हैं। पब्लिक हेल्थ सिस्टम को, सरकारी हेल्थ सिस्टम को, सरकारी लोकल हेल्थ सिस्टम्स को, सरकार के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को कैसे शानदार बनाया जा सकता है, और ये कोई असंभव काम नहीं है, इसको संभव करके दिखाया सत्येंद्र जैन जी ने। दिल्ली के लोगों को सत्येंद्र जैन जी की वजह से आज शानदार हॉस्पिटल मिले हैं, नए नए हॉस्पिटल मिले हैं, पुराने हॉस्पिटल्स का रिवैम्प हुआ है उनकी वजह से, और मोहल्ला क्लिनिक जैसी इनोवेटिव चीज़ मिली है जिसको अब देश ही नहीं, दुनिया भर के लोग जिससे सीख ले रहे हैं। कई राज्यों में मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं, ये सब सत्येंद्र जैन जी की देन है। सत्येंद्र जैन जी बहुत मेहनत के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुचक्कर करके, षड्यंत्र करके, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इसी तरह से दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करती रही तो दिल्ली नहीं पूरे देश में लोग बीजेपी से भी क्वेश्चन पूछने लगेंगे कि भाई अगर सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अस्पतालों को ठीक कर सकते हैं तो आप गुजरात के, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को ठीक क्यों नहीं कर रहे, आप बाकी राज्यों के जहां आपकी सरकारें हैं वहां के अस्पतालों को, सरकारी अस्पतालों को ठीक क्यों नहीं कर रहे, ये बात पूछने लगेंगे। इसलिए सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया, कुछ नहीं मिला। उनके खिलाफ तो चार चार बार उनके घर पे ईडी की रेड की, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी की रेड कराई उनके घर पे, लेकिन उसके बावजूद उनके घर से एक पैसा नहीं मिला, एक कागज नहीं मिला। झूठे आरोप में, झूठे षड्यंत्र के तहत पीएमएलए कानून लगा के उनके ऊपर उनको जेल में रखा गया। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी साजिश थी। आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, क्योंकि सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ कुछ नहीं निकला। बिल्कुल बिल्कुल लेने जाएंगे, सत्येंद्र जैन जी हमारे सबके हीरो हैं, हम सबके नहीं पूरी दिल्ली के हीरो हैं। हेल्थ सिस्टम को देखें तो पूरे देश के हीरो हैं सत्येंद्र जैन जी, उनको लेने जाना बनता है। विधानसभा के ठीक पहले सारे नेता आपके जो एक एक करके जेल में गए थे उनके बाहर आने, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने क्यों डाला सबको जेल में, सिर्फ इसलिए ना कि मैं, सत्येंद्र जी, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से एक के बाद एक हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, बिजली के सिस्टम में, पानी के सिस्टम में काम कर रहे थे, उन कामों को रोकना इनका मकसद था। कुछ समय के लिए काम रोके, लेकिन इनकी साजिशें नाकाम हो रही हैं। ये पूरे आम आदमी पार्टी के लिए और आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी की खबर है, बहुत बड़ी खबर है हम सबके लिए कि सत्येंद्र जैन हमारे वो साथी जिन्होंने दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई, फ्री दवाइयों का मॉडल दिया, जिन्होंने स्वास्थ्य की एक ऐसी योजनाएं दिल्ली के अंदर लागू की, फरिश्ते स्कीम, जो आज देश और दुनिया के लिए उदाहरण बन रही है, उस व्यक्ति को इतनी यातनाएं जेल में दी गई, 873 दिन जेल में रखा गया, 36 किलो वजन कम हो गया। मोदी जी ने जितने हथकंडे अपनाने थे अपना लिए, लेकिन मैं सलाम करूंगा, नमन करूंगा सत्येंद्र जैन के जज्बे को कि उनका हौसला नहीं टूटा। ये आम आदमी पार्टी है, आंदोलन की भट्टी से तपकर हम लोग निकले हुए हैं, ये अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। मोदी जी, आप इन पे मुकदमा लिख सकते हैं, लाठियां चला सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, यातनाएं दे सकते हैं, लेकिन हमको तोड़ नहीं पाओगे आप। भारतीय जनता पार्टी इस देश में गुंडों की जमात है, नफरत फैलाने वालों का समूह है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन नहीं करती, पूरे विपक्ष के लोगों को कुचलना चाहती है, लेकिन उनकी गुंडागर्दी का जवाब हम लोग देंगे। इसलिए उनसे कोई प्रमाण पत्र हमें नहीं चाहिए। क्या बोल रहे हैं भाजपाई, वो गुंडे लोग हैं, कुछ भी बोलेंगे। पूरे देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं सब मोदी के साथ हैं, सारे देश का भ्रष्टाचारी, जितने बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी का नाम ले लो आप, सब आज मोदी के साथ बैठे हुए हैं। ये लोग क्या बात करेंगे, अडानी के दलाल बात करेंगे हमसे भाजपा वाले, तो उनकी किसी टिप्पणी पे मुझे कुछ नहीं बोलना।